आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और हमने आपको सुबह दर्शन करवाए श्री चिची माता जी के सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान श्री चिची देवी मंदिर परिसर से। लेकिन आज नवरात्रों के साथ साथ जिस तरह से वीरवार का दिन भी है, तो वीरवार के दिन हम आपको मां बगलामुखी जी के भी दर्शन कराते हैं। तो हम ये जरूर चाहते थे कि आपको पहले नवरात्रे पर माता रानी के दर्शनों के साथ साथ मां बगलामुखी जी के भी दर्शन जरूर कराएं। तो हम सांबा के प्राचीन सुनारकी मंदिर में मौजूद हैं, जो कि ये भगवान श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। तो आप पहले नवरात्रे पर मां बगलामुखी जी के भी दर्शन करें, पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारी कोशिश थी कि नवरात्रे पर हमने आपको माता रानी के दर्शन करवाए चिची माता जी के, लेकिन मां बगलामुखी जी के दर्शन आपको हम ना कराएं ये नहीं हो सकता। हमने इसलिए आपको वीरवार के दिन हर रूटीन की तरह, हर वीरवार की तरह आज भी वीरवार के दिन आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन करवाए हैं। तो मां बगलामुखी जी के आप दर्शन करें, बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का और 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। और कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी भक्त मां बगलामुखी जी की विधिवत तरीके से पूजा करता है, जो भी सच्चे मन से मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बर जी का नाम लेता है, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद उन सभी के ऊपर बनता है, उन सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का हाथ रहता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको दुश्मन तंग कर रहे हैं, तो अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी को याद करते हैं तो आपके दुश्मनों का भी संहार होता है, आप दुख परेशानी से बाहर निकलते हैं, रोग बीमारियां दूर होती हैं, कष्ट कलेश दूर होते हैं और सुख समृद्धि का एहसास होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, नेगेटिविटी दूर होती है। तो आप दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, ये बड़ा ही सुंदर स्वरूप है मां बगलामुखी जी का, पीले चोले में मां बगलामुखी जी विराजमान है। और कहते हैं कि जिस तरह से हिमाचल के बनखंडी दिव्य दरबार की बात करें, जो कि मां बगलामुखी जी का दिव्य दरबार है, तो वहीं से मां बगलामुखी जी का ये सुंदर स्वरूप स्पर्श करवाकर यहां पर विराजमान किया गया है विधिवत तरीके से। और यहां पर भी हवन की प्रक्रिया जो है वो निभाई जाती है, जिसमें मीठा और कड़वा दो तरह के हवन जो है वो किए जाते हैं, जिस तरह से मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार हिमाचल में किए जाते हैं बनखंडी दरबार में। तो उसी तरह से हम आज भी आपको दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस पावन नवरात्रों की जिस तरह से शुरुआत हुई है, इन पावन नवरात्रों के 9 दिन आप विधिवत तरीके से माता रानी की पूजा करें, मंत्रोच्चारण करें, जो भी प्रक्रियाएं पूजा की रहती हैं, सच्चे मन से आप पवित्र होकर आप जो है वो माता रानी की पूजा करें और उसी के साथ मां बगलामुखी जी का भी जाप करें। क्योंकि जो इतिहास में लिखा है वो ये है कि श्री राम भगवान भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे और हिमाचल बनखंडी दरबार जो मां बगलामुखी जी का है वो पांडवों ने बनाया था एक ही रात में। तो इसलिए हमें भी अपने देवी देवताओं का सम्मान मान करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ पूजा अर्चना भी विधिवत तरीके से करनी चाहिए। तो मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं कि जो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो ये बड़ा ही सच्चा शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो आप भी आए और यहां पर आप पहुंचे और आकर यहां पर माथा टेके और माता बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है और कहते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो आपकी दूर होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो हमने नवरात्रों के पहले दिन जिस तरह से आपको दर्शन करवाए चिची माता जी के, लेकिन उसी के साथ आपको आज नवरात्रों का वीरवार भी है, तो आज वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी को भी जो है वो विधिवत तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मंगलवार के साथ साथ जैसे हम दर्शन आपको कराते हैं माता रानी के, चिची माता जी के, तो वीरवार आज नवरात्रों का पहला वीरवार है, तो आज ही के दिन हम आपको मां बगलामुखी जी के भी दर्शन करवा रहे हैं। तो आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको सुख समृद्धि का एहसास हो और जो लोग नहीं आ पाते उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
हर स्नातक तक वीडियो पहुंचाए, लेकिन आप इस मंदिर में भी जरूर आए जो कि सांबा के सुनैरकी इलाके में है। बुधवानी क्षेत्र में जब आप आते हैं तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने माँ बगलामुखी जी के मंदिर, श्री नृसिंह भगवान जी के मंदिर जाना है। आप यहाँ पहुंचेंगे, आपको यहाँ पर सुकून शांति मिलेगी और आपको दिव्य दर्शन करने को मिलेंगे माँ बगलामुखी जी के, माँ पीताम्बरा जी के। तो सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। फिलहाल के ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।